Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. फ्रेंड्स आपके पास है वीवो का Y22, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस फोन के बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हिडन फीचर जो कि स्क्रीनशॉट में आपके काम आएंगे। आप इस फोन में एक नहीं सात अलग अलग तरीके से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, जिसके बारे में आपको वीडियो में पता चलेगा। एक तो नॉर्मल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 3 फिंगर से, इसके साथ साथ ऐसे फीचर देखने को मिलेंगे स्क्रीनशॉट के जो शायद ही किसी फोन में आपको मिलते होंगे। चलिए जानते हैं कौन कौन से वो फीचर रहेंगे। जिसका वॉल्यूम डाउन बटन रहता है और पावर बटन रहता है, दोनों को एक साथ प्रेस करने पर आप स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो स्क्रीनशॉट चुका है। फर्स्ट टाइम स्क्रीनशॉट क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आप गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब आप 3 फिंगर से भी स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे, तो स्क्रीन पर इस तरह से डाउन कीजिए 3 फिंगर, तो स्क्रीनशॉट आपके सामने कुछ आ जाएगा इस तरीके से। आप देख सकते हो 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट आ चुका है। इस फॉर्म में आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट को भी बना सकते हैं। उसको लेने के लिए फ्रेंड्स आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में जाना होगा और एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट क्लिक करना होगा। लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर क्लिक करके आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। इसको अपने हिसाब से स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ सेव कर दीजिए, तो ये आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट बन जाएगा। इस फोन में आपको फनी स्क्रीनशॉट देखने को मिलते हैं, चलिए जानते हैं वो क्या है, किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल बार को ओपन कीजिए, एस कैप्चर पर क्लिक करके यहाँ देख सकते हो फनी स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ 3 अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलेंगी। फर्स्ट तो इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप हार्ट आई इमोजी को सेट करके स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, तो आपका इस तरह का स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीनशॉट आपका इस तरह से आ चुका है, इसको आप बना सकते हैं। सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसके साथ ही एस कैप्चर में और भी ऐसे फीचर हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे आप फिर स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे और देखने को मिलेगा लेसो। अब स्क्रीन को आप सेट करके स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, जिस एरिया का चाहिए उसको इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, तो स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। एक और रहता अमेजिंग फीचर जो कि स्क्रीन पर लिखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए फिर से ही एस कैप्चर पर क्लिक करना होगा, फनी स्क्रीनशॉट पर जाना होगा। डूडल स्क्रीनशॉट पर क्लिक करके आप स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी चाहें वो लिख सकते हैं। इस तरह से इसको सेव करा दीजिए तो स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आप क्रॉप स्क्रीनशॉट को भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको फिर से अपना एस कैप्चर पर ओपन करना है और यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब आप एरिया को सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो ये कुछ फीचर रहते हैं आपके इस फोन में काफी ज्यादा अमेजिंग, जिनका यूज करके स्क्रीनशॉट इस फोन में आप ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वाला वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।